ये दूल्हा अपने आप को संवारता हुआ पहुंच गया है। बंदे को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। पूरे रास्ते इसको बताने में होगी सही लग रहा है, टिप टॉप लग रहा है। अभी अपने आंसू तुम्हारे अच्छी नहीं आते, फिर बोल बोल दो, फिर सब्सक्राइब करोगे। हेलो हेलो बोल। हाँ जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गुरना के आसपास से और 10:30 का टाइम हो रहा है। बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ, हरीश की रिंग सेरेमनी है आज। तो घाट के ऊपर कोई गांव है मटेला, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाना है, कहीं ढाकुला या ढाकुड़ा कुछ गांव का नाम है, तो वहाँ जाना है आज रिंग सेरेमनी में हरीश की। तो हरीश लोग अभी पहुँचे हैं पनार, तो सेम टाइम में हम लोग पहुँच जाएंगे। और मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गया क्योंकि मुझे व्लॉग वगैरह भी शूट करना था। तो अभी गुरना के आसपास हूँ। आज देखिए मैंने बाल वाल दाढ़ी वाड़ी सब उड़ा दी है अपनी, चपट कर दी है चपट। मौसम तो एकदम चमकदार मौसम है, देखिए सन यहाँ पे है। धूप की वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, गाड़ी मैंने लगा रखी है वहाँ पे। इसका बार बार फ़ोन आ रहा है कि यार मैं बहुत ही अजीब लग रहा हूँ, आज पहली बार अपने ससुराल जा रहा है, तो उसको मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा है, शर्म आ रही मतलब। और वैसे भी साई किस्म का आदमी है वो, तो देखते हैं कितना शर्माता है और कैसा रहता है, दिखाएंगे आपको जो भी हो पाएगा। 10-15 मिनट में मैं मटेला पहुंच जाऊंगा, मटेला बैंड है कोई, वहां पे मैं रुक जाऊंगा हरीश लोग के लिए, फिर साथ चलेंगे वहां से। तो अभी मैंने किए हैं गुरना माता के दर्शन, आप लोग भी दर्शन कीजिए, उसके बाद मिलते हैं सीधे मटेला जाके। आज की सुबह इतनी खूबसूरत जगह से हो रही है, तो अभी मैंने किए हैं गुरना माता के दर्शन, आप भी कीजिए, इसके बाद आगे निकलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, ये देखिए आग वाग सेकी जा रही है बिल्कुल। ये मैंने गुरना में लगा दिया था आज टीका, बाइक को भी, ये पूरा बह गया नीचे को। बाकी यार जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ दिनों में हरीश की शादी है, वो सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसमें महिला संगीत, डीजे, डांस, पहाड़ी शादी, सब कुछ ट्रेडिशनल पहाड़ी शादी देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फिलहाल चलते हैं आगे और ढूंढते हैं कहाँ है मटेला बैंड। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. तो मैं पहुंच गया मटेला बैंड के पास और यहीं से जाता है ढाकुड़ा को रोड। मैंने यहाँ पे पूछा किसी से तो यहाँ से जाती है वो रोड और यहाँ नीचे पे है घाट की नदी। तो अभी वो लोग घाट के करीब पहुँचे हैं, मैं लगभग आधा घंटा पहले पहुंच गया हूँ यहाँ। तो चाय वाय पीता हूँ, यहाँ पे होटल है, उसके बाद साथ ही चलेंगे यहाँ से। गजब की धूप हो रही है इस साइड तो। ये दूल्हा अपने आप को संवारता हुआ पहुंच गया है, तो अभी आगे चलते हैं, चाचा लोग भी सब पहुंच गए हैं। इधर होगा ना यहाँ, ये अच्छा सही लग रहा है बे, मस्त लग रहा है दूल्हा। अभी दूल्हा नहीं है मतलब, तू अभी कुछ दिन बाद बनेगा। दिखाना क्या क्या पहना है तूने, स्नीकर, कोट, और कोट मतलब ब्लेजर, हाई नेक, अच्छा लग रहा है सच में आएगा। पूरा हीरो लग रहा है आज लड़का, तो अब से हीरो ही हुआ है कुछ दिन तक, है ना? कुछ दिन मतलब शादी तक तू ही हीरो हुआ फिर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ढाकुड़ा विलेज, और अभी यहाँ से जो नीचे को एक रास्ता जाता है ये वाला है शायद, तो इसमें हमको नीचे जाना है। हरीश कैसा लग रहा है फिर, कुछ विशेष टिप्पणी इसके बारे में? नहीं, जब से आया है तब से तैयारी होने में है, हो गया रे सब ठीक है, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, बंदा नर्वस हो गया है काफ़ी ज़्यादा। आज अगर ठीक ठाक रहा तो फिर परसों सब ठीक ठाक ही रहेगा तेरा। आज ही है जो है, आज ही है जो है। चल फिर
बंदे को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, पूरे रास्ते इसको बताने में हूँ कि सही लग रहा है, टिप टॉप लग रहा है, मान ही नहीं रहा है। खेतों में खूब सारी हरियाली हो रखी है यहाँ, और नीचे एकदम नीचे पे है घाट की नदी, बिल्कुल घाट से लगा हुआ गांव है। रास्ता याद कर ले भाई, इस रास्ते रोज ही आना है तेरे को अब, है ना। तो फाइनली 1.5 किलोमीटर चलने के बाद काफी आ गए हम रोड से नीचे को, तो पहुंचने वाले हैं दुल्हन के घर पे। हरीश थोड़ा नर्वस ही लग रहा है अभी भी। ये सामने पे है दुल्हन का घर, बस पहुंच ही गए हम लोग। फील कर रहा है क्या या मजा आ रहा है? तेरी नर्वसनेस सारी इसमें कैद होती जाएगी, इसलिए उतना ही नर्वस होना, तो जितना नर्वस क्या होना है यार, स्मार्ट लग रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले हमारी हो रही है चाय, और उसके बाद देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या रहता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताओ? ये है अनाया, ये बताएगी कि इसके मौसा जी अच्छे लग रहे हैं। मौसा जी देख रहे हैं, मौसा जी अच्छे लग रहे हैं कि मौसी? नहीं, मौसी अच्छी है कि मौसा जी? मौसा जी हाँ। और मौसी मारती है? हाँ। कितना? बहुत। अच्छा, तो अनाया को मौसी अच्छी नहीं, मौसा जी अच्छे लगते हैं, लेकिन तेरे मौसा जी तो तेरे लिए वही नहीं लाए चॉकलेट? पर लाते थे चॉकलेट। लाते थे हाँ। तो अब फिर अब कब लाएंगे? अब कल लाएंगे। कल लाएंगे ना, शादी के दिन। हाँ। ओके, इसको भी आना है। कौन है रे अच्छे, मौसा जी की मौसी? अच्छा, मौसा जी। अच्छा ठीक है। ये देख रहा है ऊपर से एनी, इसका नाम एनी है, बहुत ही सुंदर डॉग, अभी दिखाऊंगा इसको। तो अब हरीश को एंट्री मिली गई है घर के अंदर। सबसे पहले इसकी आरती वारती, मुंह मीठा, उसके बाद ही आगे का सारा कार्यक्रम रहेगा। पैसे भी रखने आया उसमें। सही में रखने हैं क्या वो?
जैसे तैसे बंदे ने अंदर का तो निपटा लिया है, फिर सजने में लग गया। अंदर का तो निपटा दिया है, बाहर होगा फोटो शूट थोड़ा बहुत। कैसा फील कर रहा है आप बताना थोड़ा। यार समझ नहीं आ रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, धक 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 हो रही है, बोल रहा है पता नहीं क्या हद हो गई। बोले को जहाँ शीशा मिल रहा है वहीं तैयार। और यहाँ पे ना मधुमक्खियाँ भी हैं। इसकी तो हालत खराब हो रखी है। अभी अपने आंसे तुम्हारे फिर नहीं आती। बोल दो फिर सब्सक्राइब करो। हाँ हेलो हेलो बोल। फोटोज वगैरह होने के बाद खाना पीना हो चुका है हमारा, बस अब तैयारी है घर जाने की। सारा कुछ ठीक से हो ही गया है, अब निकलते हैं। ऑलमोस्ट बज गए हैं, चार बजने वाले हैं यार, चार बजने वाले हैं। इन लोगों को भी निकलना है, मैं तो पिथौरागढ़ को जाऊंगा और ये लोग निकलेंगे सिन लेक को।